Mi padre sale da casa, non mi piace. जॉब फेयर अगर मैं शुरू यहाँ से करूँगी कि मेरी अपना कैरियर जॉब फेयर से स्टार्ट हुआ था, मैंने यहाँ पे सीवी दी थी, मुझे जॉब ऑफर आई थी 5 साल पहले। तो अगर आप अभी जैस की करंटली बात करेंगे तो हम लोग इंटर्नशिप्स ऑफर करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में हमारे पास इंटर्नशिप्स आती हैं, प्लस हम परमानेंट जॉब्स भी ऑफर करते हैं। मेजर डिपार्टमेंट्स की बात करूँ तो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, इसके अलावा भी हमारे पास और डिपार्टमेंट्स हैं। और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली फ्रेश ग्रेजुएट्स को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि वो आएँ काम सीखें, क्योंकि वो न्यूली होते हैं तो उन्हें आप जितना काम सिखाते हैं वो उसको अच्छे से अडेप्ट करते हैं। तो हम लोग प्रमोट करते हैं न्यूली ग्रेजुएट्स को, ओके, जैस में हम लोग वेलकम करते हैं, प्रमोट करते हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जो थोड़े से ऊपर लेवल की होती हैं, एग्जीक्यूटिव टाइप की और इस तरह की, जिन पे ऑब्वियसली इट्स मैंडेटरी के एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जिन पे नहीं भी होता। एवरी वन हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। मोस्टली लोग पता है क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि छोटी पोजीशन है या कम सैलरी है तो हम नहीं करेंगे। मुझे लगता है मैं बल्कि स्टूडेंट्स को जो न्यूली ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन करें वो देख रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप लोग टेक स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। मैंने बहुत छोटी पोजीशन से स्टार्ट किया था, कस्टमर सर्विसेज से। मैंने MBA किया था, मैंने कस्टमर सर्विसेज से स्टार्ट किया था। तो मैं ये चाहूँगी कि आप लोगों को जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रैब इट, उसके बाद ही नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि हर पोजीशन एक्सपीरियंस मांगती है, कुछ पोजीशन पैसे कम देती हैं और फिर बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं पैसे कम है हम नहीं लेंगे। तो न्यू फ्रेश ग्रेजुएट्स हर जगह पर वेलकम्ड हैं और जैज में तो स्पेशली दे ऑल आर वेलकम। देखिए, जॉब फेयर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड आपका जॉब एक्सपीरियंस इज़ अ डिफरेंट इंडस्ट्री। तो होता ये है कि वो जो एक बीच में कनेक्शन होता है वो मिसिंग होता है, और वो कनेक्शन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट इंडस्ट्री में नहीं मिल रहा होता। ख़ास तौर पे जैसे मैं क्वेटा की बात करूँ तो इतनी ज़्यादा आपके कंपनीज़ के HRs यहाँ नहीं बैठे हुए होते, वो हेड ऑफिसेज में बैठे होते हैं। सो ये जॉब फेयर आपको कनेक्ट कर रहा होता है। एंड अगर मैं अपने करियर की बात करूँ तो कोई 3 साल पहले मैं इस जॉब फेयर पर आई थी एंड मुझे कोई 3-4 कॉल्स आई थी इस जॉब फेयर के बाद फॉर दी पोजिशन। सो इट्स नेवर कि आप ये ना सोचें कि आप CV दे रहे हैं और यूज़लेस और एक महीने बाद कॉल आ जानी है। वेट फॉर दी राइट टाइम। एंड मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करूँगी कि आपको कोई भी पोजीशन आती है ऑन इनिशियल स्टेज, गो फॉर दैट, गो फॉर द एक्सपीरियंस। पहले आप पैकेज को का एलिमेंट इग्नोर करके एंड उस पोजीशन की एक्सपीरियंस को गेन करें। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट द स्टूडेंट्स एंड द इंडस्ट्री। हाँ।